दोस्तों क्या आप कमजोर हैं या क्या आपको मर्दाना कमजोरी है? दोस्तों क्रीम इस्तेमाल करने के बावजूद आपके चेहरे पर अगर निखार नहीं आ रहा तो हमारी आज की इस वीडियो में हम आपको 5 ऐसे फलों के बारे में बताएंगे जिनके इस्तेमाल से आपको ना सिर्फ बीमारियों से निजात मिलेगी बल्कि आपके चेहरे पर निखार आएगा और आपको मर्दाना कमजोरी से छुटकारा मिलेगा। दोस्तों इससे पहले कि वीडियो का बाकायदा आगाज किया जाए, आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही खड़े बेल आइकन को क्लिक कर दें। नंबर 1, सेब। दोस्तों सेब एक निहायत सेहत अफजा गिजा और निहायत ताकत बख्श दवा है। इसके मुतवातिर इस्तेमाल से सेहत व शबाब में 4 चांद लग जाते हैं। रोजाना नहार मुंह 3-4 सेब खाकर ऊपर से दूध पिया जाए तो 1-2 माह में ही सेहत काबिले रश्क बन जाती है। जिल्द का रंग रोगन निखर आता है, चेहरे पर सुर्खी की लहर आ जाती है। मुख्तसर अल्फाज में यूं कहना चाहिए कि इस गिजा से वो तमाम फवायद हासिल हो जाते हैं जिनका जिक्र बड़ी बड़ी कीमती दवाओं के इश्तिहारों पर तो पाया जाता है मगर जो दरअसल किसी दवा से हासिल नहीं होता। दोस्तों क्या आप सेब रोजाना खाते हैं और अगर खाते हैं तो कमेंट सेक्शन में यस लिख दें। नंबर 2, केला। दोस्तों अगर आपको केले पसंद हैं तो ये एक अच्छी खबर है कि इस फल को खाने के नतीजे में आंखें सेहतमंद और उम्र बढ़ने के साथ बिनाई कम और आंखों के दूसरे अमराज का खतरा कम हो जाता है। ये दावा ऑस्ट्रेलिया में होने वाली एक तिब्बी तहकीक में सामने आया। जर्नल ऑफ एग्रीकल्चर फूड एंड केमिस्ट्री के मुताबिक क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी में की जाने वाली एक तहकीक ये बात सामने आई कि केलों में एक जुज्व यानी कैरोटीन पाया जाता है जो फलों और सब्जियों को मुख्तलिफ रंगों जैसे कि सुर्ख या जर्द में बदलता है और ये जुज्व जिस्म में जाने के बाद विटामिन ए में बदल जाता है जो आंखों की सेहत के लिए बहुत अहमियत रखता है। इससे कबल मुख्तलिफ रिसर्चेस रिपोर्टों में ये बात सामने आई थी कि कैरोटीन मखसूस अक्साम के कैंसर, शरियानों के अमराज और शुगर वगैरह से तहफ्फुज़ देने में मददगार साबित होता है। दोस्तों इसके अलावा केला मर्दाना कमजोरी को भी कम करता है। दोस्तों क्या आप केले का इस्तेमाल करते हैं? अगर करते हैं तो कमेंट सेक्शन में यस लिख दें। नंबर 3, किनू। दोस्तों माहिरीन टिप का कहना है कि किनू का बाकायदगी से इस्तेमाल आंखों की बेहतरी में अहम किरदार अदा करता है। तहकीक के मुताबिक किनू विटामिन ई से भरपूर होता है जो आंखों के टिश्यूज के लिए बहुत अहम है। इसके रोजाना इस्तेमाल मोतिया जैसी बीमारियों का रास्ता रोकने में मददगार होता है। अगर आप अपनी नज़र तेज रखना चाहते हैं तो रोज़ाना 1 किनू खाने की आदत डाल लें। नंबर 4, खुश्क खुबानी। दोस्तों खुबानियों को खुश्क करके सर्द मौसम के लुत्फ को दोबाला किया जाता है। खुबानियाँ जिस्म को मोटा करने वाले हार्मोन्स पर काबू पाने और फाजिल चर्बी के खात्मे में बेमिसल हैं। इसमें मौजूद फौलाद, पोटाशियम, विटामिन ए, बी और सी जिस्म के अंदरूनी और बैरूनी निज़ाम के लिए इंतहाई मुफीद हैं। दोस्तों खुश्क खुबानी के इस्तेमाल से आपके चेहरे पर निखार आता है और आपकी रंगत गोरी हो जाती है। नंबर 5, आलू बुखारा। दोस्तों आलू बुखारा गर्मी के सर दर्द में फायदा मंद है। आलू बुखारा मतली, गए और बाद हजमी में आराम देता है। आलू बुखारा खून को साफ करने का भी काम सर अंजाम देता है। दोस्तों क्या आप गर्मियों में आलू बुखारे का इस्तेमाल करते हैं? अगर करते हैं तो कमेंट सेक्शन में यस लिख दें और वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही खड़े बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि हमारी आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। अल्लाह हाफिज़।